तो गाइस हमारा घर यहाँ से शुरू होता है, हमारा एक्स घर। ये इनाने सबसे पहले आपको मिलती है बतख। बतख लूमड़ी। बतख लूमड़ी मतलब जो शीशा ही नहीं है, तो हमने लाइट लगवा के क्या करना है। ये है कुछ हमारी गली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हादिया एंड उमामा व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम वो वीडियो बनाने वाले हैं जिसका कमेंट्स नहीं आ रहे थे। नाइस, क्यों नहीं आ रहे थे? तो छपने का कोई बात नहीं, आप हो सकता करना भूल जाते हो। हमने सोचा कि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होम टूर। टूर होता है कि टूर होता है? टूर। हम आपको घर का मुआयना करवाने जा रहे हैं, तो नीचे चलते हैं क्योंकि हमारा घर शुरू होता है नीचे से। नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और आपको स्टार्ट करेंगे और आपको अपना घर A to Z दिखाएंगे। तो जल्दी से नीचे चलते हैं और आपको अपना घर दिखाते हैं। फाइनली अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने सोचा कि चले आपको जल्दी से होम टूर स्टार्ट करें। और हाँ, हमारा घर यहाँ से शुरू नहीं होता, हमारा घर वो दरवाजे से शुरू होता है, तो चले वहाँ चलते हैं। सबसे पहले आपको गली दिखाती हूँ, उसके बाद घर शुरू करें। तो गाइज हमारा घर यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले आपको गली का मनाजर दिखाए जाएंगे। गली दिखाई है, ये है कुछ हमारी गली, ठीक है। अब अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं और जाते 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 आपको दिखाते हैं। और हमने इतना ये देखे लोग आई जा रहे हैं। कोई आ गया, आइए, आपका इंतजार है। और आपको पता है इस गली की जो ये है ना, हम ना छोटे होते ऐसे ऐसे झूले लेके होते थे, लेकिन अब ये बहुत कमजोर है और हम भी बड़े हो गए हैं, तो यहाँ ये गिर गया तो घर वालों ने कुट लगानी है। जो अंदर कहाँ से हमारी गली जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, इससे पहले बाहर कोई आया और जल्दी से हमें देख ले तो हम लोग जल्दी से यहाँ से बना लेते हैं। दरवाजे भी हमने बना लिए, लोग देख रहे हैं, मनाजिर है यार, लोग पीछे से देख रहे हैं। हाथी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस बनाओ, ठीक है। यहाँ से हमारी गली स्टार्ट हो रही है। ऐसे हमने अंदर जाते जाने और आपने बस जाते जाना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये दरवाजा आपको मिलेगा और मैं बताती चलूं कि ये हमारी चाची प्लस ताई अम्मी इनका घर है, तो यानी ये हमारा घर नहीं है। आपने फिर पीछे आते जाने, फिर एक मिनट, ये जो ये दिखा ली, ये है हमारी मोटरसाइकिल। जो बारिश आती है, धूप आती है, तूफान तो आजकल अक्सर एकदम आ जाता है, बस ये बचाव के लिए। चलो नेक्स्ट, आपने अंदर आते जाने आपको मिलेगा ये दरवाजा। तो भाई यहाँ पर आपको ये मिलेगा एक्स घर, यानी कि मतलब ये हमारा घर है लेकिन कि अभी रेंट पर है। जब मैं एक साल की थी तब हमने इसको रेंट पर दे दिया था और हम ऊपर कूच कर गए थे, वो ऊपर वो वाला, और अभी तक ऊपर ही कूच में है। तो चलते हैं ऊपर। तो ये वाले घर का भी हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि इस घर वाले जो लोग हैं वो घर में नहीं है। तो जब ये होंगे ना, बल्कि जब ये हमारे हिस्से, मतलब जब हम इसको अपने एक्स घर को वापस ले लेंगे, फिर हम आपको अपना एक्स घर भी दिखाएंगे। यस लेट्स गो। तो गाइस ये गला भी देख ले, मेरा मतलब ये गली भी देख ले। अब आपने बिल्कुल यहाँ से यू टर्न लेते आते जाने और ये सीढ़ियाँ आप लोगों ने चढ़ जाना। सॉरी, ये है हमारा घर, कोई आना चाहे, नहीं ये हमारा घर नहीं है, ये भी हमारी चाची का घर है। हमारा घर जो है वो है ये वाला। पागल हो गई हो? तो भाई अब हम आपको अपना होम टूर प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई हमारा दरवाजा वो शीशे की तरह खुलता है, जब भी लोग हमारे घर आते तो हमारा ऐसे करते हम कहते हैं भाई उतार ना देते, शीशे की तरह खोलो, शीशे की तरह। हाँ जी, तो ये हमारा कभी भी आना है तो आपने इसको शीशे की तरह खोलना। अब ऊपर चलो नोट, चलिए। और हमारी सीढ़ियां बिल्कुल सीधी हैं, तो इससे मैं एक दो बार नीचे बहुत जोर का गिरी हुई। तो लोग हमारे घर जो भी आते हैं वो कहते हैं ताड़ी सीढ़ियां एनिया सीधियां ने, क्योंकि तक कोई स्टाफ डिगे ना डायरेक्ट थल्ले आते नोट। दो तीन दफा आ चुकी है, दो तीन बार मैं गिर चुकी। एक बार ऊपर पता नहीं क्या लिपस्टिक से कर रही थी तो नीचे आ गई थी। हाँ, तो आपने आज फिर आ जाऊंगी। चलो आप में इसी तरह इस सीढ़ियों में चढ़ते जाने और नोट की जूती पे फोकस नहीं करना, वो वॉशरूम की। अब आपने ऊपर आ जाना है। ये हमारा छोटा ज्यादा है, यहाँ से हमारा आलीशान विला शुरू हो चुका है। अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर, जैसे कि हमने आपको पीछे से दिखाया, ये था हमारे घर का दरवाजा, इससे हम आ गए अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो गली है ना, हमारे घर में बहुत ज्यादा गलियां, अभी नीचे भी आपको गलियों पे गलियां दिखा के आई है, अभी यहाँ भी एक गली है। यहाँ से हमारी जो गली है वो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर लगा हुआ है बहुत प्यारा सा एक कैलेंडर, और आप ऊपर भी देख सकते हैं सीलिंग हुई है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी क्या रही है। स्टोरी
जंजीर। हमने कहा कि हम यहाँ पर लगवाएंगे फनूस, लेकिन वो नहीं लग सका। क्यों नहीं लगा फनूस क्यों नहीं लगा मैं बताती हूँ। इस फनूस की एज बड़ी, मम्मा ने कहा था लगवा लो, लेकिन देख लेना फनूस थे लगना नहीं। हमने कहा मम्मा ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहाँ फनूस नहीं लगेगा, और नहीं लगा। और वो देखो उसमें मैल जम चुकी है। और पास कर दे, ऊपर जाना है तूने। अंदर आ जाती हूँ। यहाँ पर हमने कलाकारी भी करवाई है, ये हमने बहुत कलाकारी करवाई है जिसपे हम बहुत पछताते हैं। खुश हुए है मामा की सिलाई मशीन। ये सिलाई मशीन से खोल के दिखाई देगी। 90s के जमाने की हमारे घर में एक सिलाई मशीन पाई जाती है जिसके अंदर ये है, मतलब जैसे जैसे आपको पता है ठीक है। ये मामा के जहेज की ये सिलाई मशीन है। कभी कभार मम्मा इसमें कपड़े कुपड़े सी लेती हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और अब ये है हमारे घर, ये है जहाज ऑफ द घर। एक जहाज आ गया, एक जहाज आ गया। आजा, हमारा ये आ चुका है, हमारा आलीशान कमरा, जिसमें हमारी कोई 100 कितनी वीडियोस हो गई है, 130 हो गई। हाँ। 130 में से 100 वीडियोस हमारी इस कमरे में है, क्योंकि तब हमें ब्लॉग बनाना नहीं आता था, लेकिन अब आता है। आ जाए। दरवाजा खोलिए मैम। चाहत फतेह अली खान कब से बनने लग गए। तो भाई यहाँ से हमारा कमरा जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ये देख, हमारा कमरा जो कि आपने देखा है, बट एक मिनट आज आपको हम ये डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाने। सबसे पहले जब आप इस रूम में एंटर होते हैं ना, तो आपको मिलती है ये वाली बोर्ड ऑफ द ईयर दीवार, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको मिलती है बतख लूमड़ी। मतलब जो भी है ये क्या है, कमेंट्स में बताएंगे क्या है। अच्छा, इस पे हम जब ये लगी ना, इसकी स्टोरी ये, हम इस पे चाबियां लटकाते थे, तो मम्मा कहती थी कि तानू ही लाभ दी चाबियां ला लगे, तो चाबियां मम्मा ये चाबियां लटकाने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन मम्मा कहती है इस पे चाबियां ना लटकाओ, ये कमरे में है ना तो गंदा लगता है। सर फैशन के लिए बेटा, फैशन। अब ये देख ले गोल्डन बोर्ड, ये पहले यहाँ लाल नीला पीला बोर्ड लगा होता था, फिर हमने थोड़ी तरक्की की और ये गोल्डन बोर्ड लगवा लिया। अब आ जाते हैं इस दीवार की तरफ। ये दीवार किसी सैलाब का शिकार हो चुकी है, क्योंकि उस तरफ जो है ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या मसला बना है, पकड़ो आदि मैं बताती हूँ। तो गाइस हुआ कुछ यूं कि ये, मतलब ये जो दीवार है ना, ये उस तरफ से नंगी है, यानी के क्या कर रही हो। अच्छा, इस दीवार के सामने खड़े थे बोलो, यानी के हमारी जो चाचियों कह रहे हैं ना, उनका एक ही पोर्शन है, तो ऊपर यहाँ उनकी छत है, जिसकी वजह से आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, वो इस दीवार पे पड़ती है, और ये पहले नहीं वॉल पेपर है, इसलिए इस सैलाब का, ये देखिए इस इन वॉल, यहाँ कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये सारा पैक है, बट इसके साथ नुकसान हो गया। सबसे पहले हम जब कमरे में एंटर होते हैं, तो ये मेज पड़ा होता है, जिसके ऊपर क्या सी कपड़े ना रखना, बढ़िया बनानी है, लेकिन घर वालों ने हमारी नहीं मानी, और कपड़े भी रख दिए, लेकिन कोई बात नहीं, रियलिटीज द रियलिटीज पे कपड़े भी पड़े होते हैं, कपड़े पड़े होते हैं, तभी हमने नीचे भी पड़े होते हैं, तभी हमने नहीं उठाए, बिकॉज हम आपको अपना सीधा सादा सा जो है वैसा घर दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अब आगे हम आ जाए तो आप लोगों को मिलेगी ये 250 इंच की LED, मतलब कि इतनी तोड़नी आ गई है, सही कराई है। इसका कुछ हो गया था, इसकी आवाज आती थी, लेकिन इसकी स्क्रीन उड़ गई थी, लेकिन अब ये माशाल्लाह सेहतयाब है। 250 इंच की LCD ये है हमारी ओरिएंट की LCD, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फिर बोर्ड आ जाते हैं, और ये देखें गाइस, ये दीवार जैसा कि आपको बताया कि सैलाब का शिकार है, जिसकी वजह से ये भी हुआ है, तो आपने इग्नोर करना ही ठीक है। अच्छा, अभी हमारे घर का कुन्नर ऑफ द घर आ जाता है, ये है बेस्ट कुन्नर ऑफ द घर। हाँ, मैं चाहती थी कि यहाँ पर सोफा लग गया, वरना फिर मैंने पता यहाँ क्या करना था, वो बड़ा सा मिरर लगना छोटा मिरर, मैं बता, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दीवार पर जो फिक्स हो जाते हैं ना वो लगवाएंगे। अच्छा यार, यहाँ लगना था मिरर, लेकिन मिरर की भी ये स्टोरी है कि वो नहीं लग सका, आपको तो पता है कि कार्ड वगैरह काम रही है, नहीं लग। मैं अपने जितने भी ब्लॉग है वो टूटे हुए मिरर में बाहर बनाती हूँ, यहाँ नहीं बनाती, और ये जो तार है ना इसकी हक इसको करंट लगता, और मेरी जिंदगी में सुख आता। ये ना तार है ना, ये उस मिरर के ऊपर, देख ले अच्छी तरह से इस तार को, उस मिरर के ऊपर यहाँ शीशा लगना है। अब जब शीशा ही नहीं है तो हमने लाइट लगवा के क्या करना है, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको कुछ होने से पहले शीशा। जल्द आ जाएगा। हमारी अलमारी शुरू हो रही है, और मैं आपको अलमारी का एक दराज खोल के दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी दिली तमन्ना है। कौन सा,
भाई ये देखें नूर आपको अलमारी भी खोल के दिखाएगी, ये देखें आप सारे दराज इस तरीके से भरे हुए हैं। मतलब हमारी अलमारियों में ये नहीं है वार्डरोब यानी चीजें ही चीजें, हमारी दिमाग में बिस्तर ही बिस्तर है, बिस्तर ही बिस्तर है, बिस्तर ही बिस्तर और कपड़े और ये वाला ये भी खोल के दिखाओ। चलो चलो जल्दी, ये देखें गाइस, ये देखें, ये देखें आप, ये सर्दियां हमारे देख लिया था कि हम क्या क्या दिखा रहे हैं, हमें सच में जुतियां पड़ी हैं। ठीक है, बाकी सारे भी इसी तरह से ओवरलोडेड है। और ये है हमारी अलमारी, खुल जा मेरी माँ, ये ओए ओए सिमटी भी नहीं हुई। मामा जी आपको कहा था कि इसे सही कर देना। ये देख लें गाइस, गाइस आपने और कुछ नहीं देखना, बस इन पैंटों को देख लेंगे कितनी अच्छी से सिमटी है। ठीक है गाइस, बाकी भी यहाँ इसी तरह बिल्कुल साफ है। नहीं नहीं मैं सब दिखाऊंगी। हाय अल्लाह, मैंने तुम लोगों को बोला था कि सफाई कर लेना। हां दी मम्मा साफ कर लेंगी, कल संडे है ना, संडे को अक्सर मम्मा फारिग होती है तो कल की बस हो गया। एक तो गंद बस, बस तो यहां पर हमारी अच्छा नहीं, यहां पे ये अलमारी खड़ी हो, अलमारी 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 आ जाती है हमारी यहां पर। नेक्स्ट स्टेप जल्दी से आगे चलते हैं। इतना बड़ा कमरा नहीं जितना बड़ा हमने इसका क्लिप कर दिया है। हाँ, अब आगे आ जाते हैं। तो ये जो पोर्शन आता है इसमें है हमारी स्टडी टेबल वगैरह। नूर इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगी, इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। दो दो अब ऊपर जब आते हैं ना तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, मैं बताऊँ ये दिन रात की अंतक मेहनत, सुबह शाम रात दिन जागे रात जागे, सर्दियों में उठे सब किया, और ये उसकी मामा नूर की मेहनत, और ये उसकी मामा नूर की मेहनत। किसकी मेहनत है, दोबारा बोली, दोबारा बोली, उमा मनूर की मेहनत है। इसमें मेरा एक कब भी नहीं, क्योंकि स्कूल वालों को मुझसे बैठती यार नहीं, मैं पता क्या करती थी, मैं ना ऐसी बच्ची थी कि मैं कहती थी यार दूसरी पोजीशन आ जाए मुझे। अच्छा अच्छा, क्या दूसरों की पोजीशन आ जाए, और जब फंक्शन में जाना होता है तब रोती थी बैठ के। मार रही सारी कप्स नूर, मामा नूर के हमारे घर पे अक्सर मेहमान आते हैं, सारी बता वो कहते हैं किसके आए ऐसा हुआ है और बहुत मजा आया था। और बाकी ये सारा भी कॉर्नर है, यहाँ नमाजें वगैरह खड़ी हुई हैं, और चार्जर है ऊपर, यहाँ हमारी किताबें वगैरह आ जाती हैं। हाँ, और ये है खूबसूरत सा लैंप, और ये है खूबसूरत सा लैपटॉप, और यहाँ लिखा हुआ है हार्डर रोड्स मेक्स अ डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, अब बहुत अच्छी शायरी की यार हादिया ने की है। अच्छा अब यहाँ पर आ चुका है हमारा आलीशान बेड, और आपको मैं इस बेड की हकीकत दिखा रही हूँ। ओए ओए, वो बोतल उठा, बोतल उठा। यहाँ पर आ चुका है हमारा आलीशान बेड, इस बेड की हकीकत देखिए आप गाइस। मामा ने कहा मेरे फट्टे लड़े बहुत मजबूत है। मामा के फट्टे लड़े मतलब ये मामा की है, मामा अपने जहेज में लाई थी तो मामा की हुई, तो मामा ने कहा मेरे फट्टे लड़े बहुत मजबूत है, सिर्फ मुझे टेके बनवा दो, तो हमने ये टेक और वो टेक बनवा ली, और हमने इसको मोहब्बत चाहत इज्जत के साथ पैसे देकर बनवाया, इसका रंग उतरने लग गया। तो भाई यहाँ पर हमारे घर के एक और मेंबर है, आप अक्सर इसको ब्लॉग में, हाँ आप अक्सर इसे देखते हैं, ये भी हमारे ब्लॉग का हिस्सा है, हाजिया एंड उमामा एंड मुकु जो, हाँ जी ये देख सकते हैं, ये जो है ना ये सोफा कम बेड है, यानी ये बेड बन जाता है, जादू है ना, जादू। अब इस सारे कमरे में एक बहुत अच्छी चीज है, क्या क्या क्या, हवा देने वाली मशीन, हवा देने वाली मशीन, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, माँ मुझे नजर नहीं आ रही, मेरा चश्मा तो ला वो है। ओह माय गॉड, ये है गाइस हमारी हवा देने वाली मशीन, ये हवा देने वाली मशीन है। और गाइस और कुछ तो चेंज बता रही है गाइस, इसकी एक स्टोरी, स्टोरी ऑफ द हवा देने वाली मशीन ये है कि ये जो पाइप है, ये पाइप यहाँ लटका हुआ है, और रात को इसके आगे बाल्टी लगाना भूल गए, जिसकी वजह से सारा कमरा धुल गया है। ठीक है, आपको कमरा साफ साफ लग रहा होगा, बताओ गाइस, ये देख रहे हैं उधर फेंक दिया, मम्मा उधर बैठी थी, अब तो कुट खाएगी अब तेरी, ये जाने दे, हमने एग्जॉस्ट नहीं लगाया तो हम इसके अंदर सारा कुछ सड़ जाता है, उधर गिर चुका है, अभी तक लांतों की आवाज ही नहीं मेरा। मम्मा देख रही होगी ना कि वीडियो बना रही, मम्मा ने कहा चलो माफ कर देती है, एक्चुअली एसी की हवा सारी उधर जाती है, एग्जॉस्ट यहाँ लगाना है, तो जब वो लग जाएगा तो फिर बस, तो बस अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं ताकि आपको दिखा देंगे यहीं तक का हमारा कमरा, बस इतना ही था हमारा कमरा, लेट्स गो बैक। तो गाइस ये है हमारा सुतेला कमरा, वो था हमारा सगा कमरा, ये है हमारा सुतेला कमरा, तो चलिए इसके अंदर भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके क्या हालात है। वैसे तो अक्सर ये साफ नहीं होता, लेकिन लगता है आज मम्मा ने कर दिया, लेट्स गो। देखो गद्दी यहाँ तक आई है, मतलब वहां से गद्दी यहाँ तक आई है जी, बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपको जल्दी यहाँ का टूर दे देती हूँ, क्योंकि आई नो
वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सबसे पहले यहाँ पर नहीं यार, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से। अच्छा गाइस, सबसे पहले इस कमरे में वही वाला है सड़क, यहाँ पर सब कुछ वही है, बस वहाँ 250 इंच की एलईडी और यहाँ 100 इंच की एलईडी है बस, और ये वही बोर्ड जो है, और हमने रंग या नया ही कराया था, लेकिन हमारे रंग नया करवाया और हमने इतना लाइट कलर करवाया कि सारा खराब हो गया। हाँ, और ये है हमारा तख्त पोश। तख्त पोश, ये तख्त पोश क्या होता है वैसे भाई? ये तख्त हमारे जो दादा दादी थे वो इस पर बैठे थे, और ये हमारे तख्त दे गए थे। ओके ओके, तो ये है हमारा बहुत आलीशान तख्त, ये हमारा, यानी इस घर, इस रूम में ना हमारे जो लेफ्ट ओवर है ना, जो हमने उस रूम से सामान निकाला है वो हमने सारे इधर रख दिए। ये हमारा ट्राइपॉड है, ये हमारा स्टडी स्टैंड है जो कि, और ये बहुत ही प्यारा सब है। अलमारी बनाई थी ना तो छोटे छोटे बची, हमने ये पीस बनवा लिया, और उसके बाद ये सोफा आ जाता है जिसको हमने इधर फेंका। यार ये रूम बहुत ज्यादा ना, और ये देखें आप, ये और ये रूम बहुत ज्यादा, ये क्या है नूर, ये क्या, इसका जवाब चाहिए मुझे। नहीं यार, थोड़ा गंदो डलता है ना, आप देखो अभी देख लो, हम आपको वो चीजें नहीं, हम आपको वो चीजें नहीं दिखा रहे जो हम दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको सब दिखा रहे हैं, हम आपको सब दिखा रहे हैं, देखें। तो गाइस मैं आपको बताती चलूं कि पूरा घर साफ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो गंद समेटना पड़ेगा। जरूर अलमारी ऑफ द जहेज, ये भी जिस अलमारी, जिस दीवार के अंदर अनारकली को रखा था उसकी अलमारी बनवा ली। यस, ये जो है ये मम्मा के जहेज की अलमारी है, जो कर मम्मा ने कहा नहीं फेंकनी, बहुत मजबूत अलमारी है, मम्मा ने उधर से उठा के इधर रख दी, पहले ये उधर होती थी। और गाइस आपको मैं इसकी भी हकीकत आज आशना करूंगी, खोलो इसके अंदर तो वो होते हैं, खाला खाला खाला, नहीं नहीं नूर दिखाना चाहिए, ये देखे सारे बिस्तरे इधर रखे, और ऊपर जो है वो हमारे, वो क्या है नूर, वो हमारी सौगात है, वो हमारे पापा, वो ऊपर कह रही हूँ, वो सॉरी वो गाइस वहां से थोड़ी और लड़े फुटे बचे तो हमने ये भी बनवा डाला। ये हमारी गैलरी थी जहाँ पहले पर्दा, जहाँ पहले पर्दा पड़ा होता था, लेकिन अब हमने यहाँ पर तरक्की करके दरवाजे लगवा दिए। लेट्स गो बाहर, और बाहर का सामान आपको दिखाते हैं। किन्ने ला लिया, वीडियो बना रहे थे, किसने प्रेशर लगा लिया, मतलब कि हमारी बारी, सब कुछ हमारी बारी। तो ये हमारा लॉन्च नुमा सहेल, लॉन्च नुमा सहेल, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, ये हमारा मंजा है, मतलब कभी भी तूफान बारिश आ जाए तो यहाँ भी चाह देते, अच्छी हवा देती है, यहाँ से एक हमारी हवा आती है। हाँ दिखाओ, हाँ यहाँ से एक हमारी हवा आती है। हाँ, और यहाँ से एक हमारी हवा, बहुत हवादार घर, हवा ही हवा, दिखा। और इस पास से गाइस हमारा वॉशरूम है, ये ज्यादा दिखाने वाली चीज नहीं, आगे चलते हैं। सर जी, तो ये यहाँ पे हमारी वैनिटी है, मैं सामने आ रही हूँ, वैनिटी, वैनिटी, यहाँ पर हमारा शीशा लगा, टूटा शीशा जिसका जिक्र हमने किया था। हाँ, ये हमारी वैनिटी है, बहुत प्यारी वैनिटी है, आपको इसमें शॉर्ट भी दिखाती हूँ। तो गाइस हमारे यहाँ पर बास्केट टूट गई थी तो हमने पेंट वाली बाल्टी को ही रख दिया। हाँ, और यहाँ पे हमारी वैनिटी है, ये हमारा बेसन है जो सब कुछ होता है, और ये है तपड़ी, तपड़ी तपड़ी हर किसी के घर में होती है, तपड़ी 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 होती है, तपड़ी। तो चलें आगे चलते हैं। तो गाइस फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा किचन आ चुका है। ये मम्मा नहीं, नहीं। यहाँ से आपने हमारे सारा सीन देख लिया? यस यस, सब देख लिया। ओ माय गॉड गाइस, ये छोटा सा हमारा है, कूड़ा है ये हमारा, क्या है आदिया, प्यारा सा कूड़ा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू पड़ा होता है, झूला, और ये बहुत खतरनाक किस्म का सिलेंडर, अंदर हमारी जूतियाँ पड़ी हुई, कोई जुड़ी नहीं, कुछ नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। और यहाँ पर हमारी बाल्टी शाल्टी पड़ी हुई है, ठीक है, ये वो हमारी डस्टबिन है, एसी वाली डस्टबिन है जो हम कल लगाना भूल गए थे गाइस। और अब आपको किचन दिखा दें। यस, ये हमारा बट नॉट लीस्ट आवर किचन, ये है भाई हमारा बहुत ही खूबसूरत हसीन सा किचन जिसके अंदर हम अक्सर कोई वीडियो शूट करते रहते हैं। तो अब आपको देते हैं इस किचन का टूर। ओके, ये जो किचन है ना, इसके ऊपर बने हुए हैं ये दराज, ठीक है, जो कि हम जल्द बदलवाएंगे। हाँ, इसे बहुत पहले किया है। ये चिमनी की स्टोरी बताओ, ये वो चिमनी, वो चिमनी है, इसके अंदर चिमनी लगती है, लेकिन इस चिमनी के अंदर चिमनी तो है यार, चिमनी के अंदर, चिमनी के अंदर मतलब चिमनी नहीं है, ये वो वाली है जिसके अंदर लगाकर तो आप अंदर चिमनी लगा लेते हैं कि हीट उसके आउट थ्रू, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, सारी हीट यहाँ चली जाती है। हाँ, तो भाई उसके बाद ये है हमारे हसीन से दराज जो हमने शीशे साफ कर लिए थे ईद पर, ताकि बाइट से आने वाले बंदे को लगे कि अंदर वाले बर्तन भी साफ। हाँ, हाँ। और ये है हमारे कॉर्नर जिसके अंदर कुछ काम, गाइस इसकी आज हम बनाएंगे कबाब। हाँ, ये देखे, ये हमने गोश्त निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये टूटू सा टूटा सा हल्का है जिसके नीचे ये होल भी है, ये क्यों टूटा था नूर? मैं बताती हूँ गाइस, इसका ये जो ये वाली चीज होती है ना, ये बाहर आ जाती थी, कोई ना हमारे घर वो नहीं होता। अच्छा, तुम पहले बैठ जाती, बैठ। तो गाइस वो जो रगड़ाई वाले होते हैं ना, जो मतलब पत्थर पुत्थर को रगड़ाई करते हैं, क्या होना है दूर से नमना, तो वो आया हुआ था, तो हमने उसे कह दिया कि इसको टाइट कर दो, उसने पूरा का
पूरा नलका ही निकाल के हमारे हाथ में रख दिया अंदर से, मतलब पीछे वॉशरूम से लेकर यहाँ तक पानी निकली जाए पूरा, फिर वॉशरूम तक सारा सिस्टम खराब, सारा सिस्टम उसने हमारा धर्म भरम कर दिया। फिर हमें यहाँ ये करना, और नूरी आगे अब चीजें बताओ, ये देखिए ये है हमारी टूटी मसाला दानी। और गाइस जल्द हम मामा को ये भी गिफ्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये सबसे पुरानी चीज है हमारे घर में। लेकिन ये लेके आएंगे सिर्फ होती है ना, ये जो है ना, ये हमने क्या चॉकलेट, हमने वो चॉकलेट होता है ना उसको खा के ये सारे जोड़े हुए हैं, और बस इसका ये बचाव है। और हमारे किचन में बहुत डेकोरेटिव चीजें भी है, जैसे ये देखें यार, ये और उसके बाद ये सब कुछ आपको पता है, ये खाने वाला होता है, ये पकाने वाला होता है, सब कुछ होता है। और ये हमने इसलिए रखा हुआ है, ये प्रेशर है जो मुझसे खुल नहीं रहा, इसके अंदर है चिटे चने और इसमें है चावल जो कि हम खाना खा चुके हैं। ये हमारा छोटा सा मोटा सा गंदा सा स्टैंड है। तो गाइस बस ये इतना ही, आलीशान कदरदान खिड़की, और ये हमारी फ्रिज है जो नीचे से देख रही हूँ गंदी सी है, मतलब गंदी हुई भी है, और ऊपर से भी दिखा रहा है। और यहाँ पर गाइस बहुत बोतलें पी के हमने बोतलें सारी यहाँ जोड़ी हुई है। और ये हमारा गाइस अलमारी के फट्टे लड़े बच गए थे तो हमने ये भी बनवा लिया, और सारे घर की बोतलें जोड़ी हुई है। अल्लाह तूल ये हमारे घर में ऑरेंज रंग का मेज और नीले रंग की कुर्सी है, इस कॉम्बिनेशन की मुझे भी आज तक समझ नहीं है, आपको भी नहीं आएगी, तो आपने खुश बात रहना है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर भी घर। तो गाइस हमारा घर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी छत बाकी है, सो लेट्स गो छत पर चलते हैं और आपको छत भी दिखाते हैं। सीढ़ियां तो आपने देखी हुई है, सीढ़ियां क्या ही देखोगे, ऊपर चलते हैं सीधा। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में, ठीक है। सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पर दाखिल होना है ना, आपको ये ईंट मिलनी है, उसके बाद इसके आपने ऐसे ठा करके ना ऐसे ढा गिरना है, और फिर जाके सीधा दरवाजे। आज मैं ठुकी भी हूँ। पानी बड़ा गर्म है। ये गाइस हमारा स्टोर है जो हम नहीं दिखा सकते, हम मारेंगे, ये हमारा कूलर। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर आओ ना। हाँ, सबसे पहले इस कूलर के साथ ये डस्टबिन है, उसके साथ ये आउटर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद ये सारी फिर ऊपर थोड़ा ईंटें देखने को मिल सकती है। हाँ, और ये टैंकियां हैं हमारी, और उसके बाद ये हमारी बताती हूँ इसकी स्टोरी। नीचे जो सारा वो पानी हुआ था ना कमरे में, इस तरह जमीन पड़ी थी पूरी गिली हो गई, और वो है हमारा मशीनों वाला हिस्सा, मशीन लगा लेते हैं। उसके बाद ये सारे बोर्ड सब कुछ, और गाइस वो जो छत है, ये छत अपनी ही छत है, वो टूअर भी देंगे। तो गाइस अभी हम इस छत पर आ चुके हैं, क्योंकि हम ज्यादातर व्लॉग्स में इस छत पर आते रहते हैं, तो हमने कहा इधर भी आना बनता है, इस छत का भी कोई हक है, आ जा। खुद ही मुझे कह रही है जूती ही ना पहन के, शर्म आती है तुझे? गाइस ये जूती नहीं पहन के, इसको एक चपेट मारे, आपने कमेंट में लिखना है जूती। तो गाइस ये हमारी छत है, ये है इनकी और इनकी छत। अब आप सोच रहे होंगे किनकी और किनकी छत, यहाँ तो पिक्चर आ गई तो देख ली, और अगर नहीं आई तो समझ जाए कि मुझे पिक्चर नहीं मिली। तो बस ये भी छत है, और ये हमारी छत है, और ये हमारा जहाज है। तो बस इतना सा हमारा होम टूर था। बस गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तो अल्लाह हाफिज़।